जब से हो संभाला सपना सिर्फ एक ही देखा कि कैसे देश के काम आऊ सीने में सुलगती देश प्रेम की अग्नि तब ही बुझे जब अग्निवीर बन जाऊ एक मौका अपने अपनों और देश के लिए कुछ करने का अग्निवीर बनने का अग्निवीर 2023 की तैयारी के लिए एसएससी एस सी मेकर लेकर आया है अग्निवीर आर्मी बैच जो देता है आपको 100 प्रतिशत सिलेक्शन की गारंटी सैनिक कभी देर नहीं करते तो आज ही ज्वाइन करें एसएससी मेकर का अग्निवीर आर्मी बैच मात्र एक सौ रुपए में और करें अपने सिलेक्शन को पक्का अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर कॉल करें और एसएससी मेकर ऐप डाउनलोड करें नमस्कार साथियों मैं निखिल शर्मा आप सबका आपके अपने परिवार एसएससी एस मेकर में हार्दिक स्वागत करता हूं चलें जी जल्दी जल्दी आ जाइए सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दें जिससे इस सेशन का लाभ अन्य विद्यार्थियों को हो सके राम राम जी गुड इवनिंग चले जी आज का जो हमारा सेशन है बड़ा यूनिक सा सेशन होने वाला है और इस सेशन में सारे वे क्वेश्चन होंगे जो एसएससी के फेवरेट क्वेश्चन हैं तो चलें इसी के साथ अपने सेशन का आगाज करते हैं सेशन की तरफ बढ़ते हैं और सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है सेशन का पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है बनाने की कोशिश करें इसका आंसर मुझे बताए क्या होगा चले जी पढ़ते हैं इसने क्या कहा किसी निश्चित संकेतिक भाषा में डांस डांसर को क्या बोला जाता है डांसर को बोला जाता है डी जी ई PSF लिखा जाता है उसी संकेत भाषा में आपको बताना है पब्लिक को क्या लिखा जाएगा बताएं जी पब्लिक को क्या लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर A, नंबर ए ऑप्शन बी या ऑप्शन नंबर सी या आपका डी होगा बताएं जी कमेंट सेक्शन में आंसर लिखें और बताएं मुझे इसका आंसर क्या होगा याद रखना कोडिंग डिकोडिंग का अल्फाबेट कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है करने का एक सिंपल सा तरीका होता है जो वर्ड दिया सबसे पहले वो लिखो वर्ड है आपके पास डांसर डी ए एन डी एन सी आर इसके बाद जो इससे नेक्स्ट वाला वर्ड बनता है वो इसके कहा रखोगे इसके जस्ट नीचे चलो तो जी इसके नीचे रखते हैं यहां पे क्या हुआ डी डी के बाद आपका क्या है जी जी के बाद ई पी एस और आपका है यहां पे एफ अब देखो पहले की पहले से कंपेयर करते हैं कोडिंग डिकोडिंग में जितने मेथड होंगे वो सारे मेथड चेक करने होंगे कौन सा मेथड लग रहा है और मेथड का मतलब कोई ना कोई सीक्वेंस आपको जरूर नजर आएगा अगर मैं डी की डी से कंपेयर करूं पहले की पहले से करूं तो कितना बड़ा आप क्या हो सर कुछ भी नहीं बड़ा ए से जी देखूं ए से जी बढ़ाओगे आप ए का नंबर एक और जी का नंबर सात कितना बड़ा छह बड़ा एन से ई e, तो यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे देखो कोई सिक्वेंस चीज नजर नहीं आ रही है मतलब की गैप भी बड़ा है और कोई चीज रिपीट पर रिपीट आपको नजर नहीं आई इसका मतलब क्या यहां पे फॉरवर्ड मेथड नहीं होगा फॉरवर्ड मेथड का मतलब पहले की पहले से कंपेयर अब देखो जब वो आपका फेल हो जाए इसका बाद आता है रिवर्स मेथड मतलब कि पहले की लास्ट वाले से कंपेयर और लास्ट वाले की पहले से कंपेयर देखो डी से एफ बना डी से एफ बना डी से एफ बना कितना बड़ा आगे की तरफ दो बढ़ा आर से डी बना

चलो जी सी से ई e करा सी का नंबर तीन ई e का पांच यहां भी कितना बड़ा दो चलो जी यहां से देखो ई e से एफ बना ई e से एफ बनेगा बनेगा प्लस वन होगा, R से S बनेगा, प्लस वन होगा होगा आर से एस तो देखो यहां पे एक सीक्वेंस नजर आया पहले तीन फिर दो फिर एक ठीक है सीक्वेंस क्या नजर आया एक दो तीन या तीन दो एक का तो सेम मैथड सेम मैथड और सेम सिक्वेंस किस में लगा दो जो आपका वर्ड दिया है वर्ड आपके पास क्या है देखो ध्यान से देखो वर्ड है आपके पास पब्लिक पी यू बी एल आई सी एल आई सी इसमें लगाओगे और क्या आपका कौन सा मेथड है कौन से मेथड का क्वेश्चन है अभी आपने देखा क्रॉस मेथड का क्वेश्चन है सेम मेथड और सेम पैटर्न लगा दो तो कहने का मतलब क्रॉस मेथड ये इधर जाएगा 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 और क्या होगा प्लस तीन होगा इधर प्लस तीन इधर यहाँ पे प्लस टू यहाँ पे प्लस टू और यहाँ पे प्लस वन प्लस वन होगा चलो जी करते हैं देखो यू का नंबर इक्कीस इक्कीस में तीन जोड़ा चौबीस चौबीस पे एक्स पी का नंबर सोलह सोलह में तीन जोड़ा उन्नीस उन्नीस पे एस आता है देखो एल का नंबर 12 12 में दो जोड़ोगे 14 है और 14 पे याद है 14 नंबर से एन आता है बी का नंबर दो दो और दो चार चार पे डी आएगा चलो जी सी से आगे बताओ क्या आएगा सी से आगे डी आता है इधर इधर और ई e आई से आगे क्या आता है जे तो चेक करो कहाँ पे ऐसा बन रहा है एक्स एस एन डी एन डबल डी जे ऑप्शन नंबर डी बन रहा है ऑप्शन नंबर क्या होगा डी आपका करेक्ट आंसर होगा उम्मीद है सबको समझ में आया तो एक एक मेथड चेक करोगे कोडिंग डिकोडिंग का कौन सा मेथड आपका यहाँ पे बन रहा है चले जी आगे चेक कर आगे करते हैं नेक्स्ट सेशन का आपका जो है क्वेश्चन नंबर सेशन का क्वेश्चन नंबर दो है बनाने की कोशिश करें लिंग द ब्लैंक वाली सीरीज है बनाइए जी इसका आंसर बताएं क्या होगा ये क्या कहना चाह रहा है ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेने पर दी गई श्रेणी पूर्ण होगी ये सीरीज आपको कंप्लीट करनी है इसमें से कौन सा ऑप्शन लोगे जिससे ये जो सीरीज है ये कंप्लीट हो मतलब कि ये वाली सीरीज कोई ना कोई सीक्वेंस बनाएगी अब देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए करने का तरीका क्या होता है पहला चीज होती है सारों को देख लो कितने टोटल नंबर गिन लो जो ये रिक्त स्थान है फिलिंग द ब्लैंक है इन्हें भी गिन लो चलो जी गिनते हैं एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह क्या होगा एक सेकेंड एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह कितना है चौदह आए चौदह का मतलब दो दो के गैप आप बना यहां पे देखो दो दो को गैप आप कभी नहीं बनाओगे कभी बनाने की कोशिश मत करना को, दो दो के से कभी क्वेश्चन नहीं होगा तो इसका मतलब आपका गैप कितने का बनेगा चौदह में सात सात का गैप बनेगा तो यहाँ पे सात सात का गैप बनाओ कोई ना कोई सीरीज बनेगी एक दो तीन चार पांच छह सात यहां पे कट लगाया एक दो तीन चार पांच छह सात अब इसके बाद यहां से देखो क्या कोई सीरीज बनती नजर

बी ऐड कर दो क्या ऐड कर दिया आपने बी ऐड किया तो देखो लास्ट वाले सारे क्या है लास्ट वाले आपके क्या बने यहां पे देखो लास्ट वाले आपके क्या बन गए सारे में देखो सेम बने सारे में लास्ट वाले सेम बने बी ए बी ए डबल बी ए बी ये सारे लास्ट वाले सेम बने बी ए डबल बी

आया दूसरे में भी तो आपने क्या क्या ऐड किया आपने ऐड किया ए और उसके बाद आपने बी फिर से आपने बी ऐड किया ठीक है इसके बाद आपने क्या ऐड किया यहाँ पे ए बी एक सेकंड ये तो ऑलरेडी है ना यहाँ पे ए ऐड किया यहाँ पे आपने बी ऐड किया इसके बाद आपने क्या ऐड किया इसके बाद आपने फिर से बी ऐड किया बी के बाद आपने क्या ऐड किया बी के बाद आपने ऐड किया ए ए यहाँ पे देखो ए डबल बी ए ए डबल बी एक ही आंसर बन रहा है ए डबल बी ए डबल बी एक कहीं आंसर बन रहा है आप कहोगे सर जी नहीं बन रहा कहीं भी आंसर नहीं आ रहा इसका मतलब भैया ये आपका रोंग है ये आपका ऐसे नहीं बनेगा ए डबल बी और डबल बी के ए बाद ए डबल बी बी आ रहा है लेकिन ए नहीं आ रहा आपका ये आंसर मैच ही नहीं कर रहा इसका मतलब ये तरीका आपका फेल हो गया ये तरीका आपका फेल हो गया यहां पे आंसर नहीं आ रहा जब जब ऐसा केस बने हो सकता है कोई और लॉजिक लगा हो इसमें एक लॉजिक लगाया जो मुझे बताना है पहले मुझे क्वेश्चन को ऐसे समझाना था अब एक लॉजिक याद रख लो छोटी छोटी मगर मोटी बातें याद रखो कभी भी कोई चीज क्या होती है एक सीरीज होती है जो हर बार बढ़ती जाती है अगर पहली बार एक बार नंबर आया है वो तो अगली बार दो बार आएगा अगली बार फिर तीन बार आएगा अगली बार चार बार आएगा तो ये सीरीज नोट डाउन करके लिख लो एक सीरीज होती है जो बार बार

क्या यहाँ पे देखो यहां पे मैंने ऐड किया ए बी बनाया ए बी के बाद फिर यहाँ कट करो यहाँ बी एक था यहाँ पे मैंने कितने बी बना लिए दो भी बना लिए ठीक है फिर से ए से स्टार्ट करी और ए से स्टार्ट करके पहले बी एक था फिर दो इस बार मैंने बी कितने बना लिए तीन हर बार जो है सीरीज में बी जो है बढ़ता जा रहा है चलो जी अगले में देखूं देखो पहले में बी एक है दूसरे में भी दो है

तीन की तरफ क्वेश्चन नंबर तीन आपका अल्फाबेटिकल सीरीज से क्वेश्चन बनाने की कोशिश करें देखो इसने क्या कहा अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से चार के बाएं अठारवे अक्षर के ठीक बीच में होगा बताओ जी ऐसा कौन सा अक्षर है जो लेफ्ट से चार के लेफ्ट के अठारह हो और उसके बीच वाला नंबर पूछा है तो याद रखो सबसे पहले जब भी बीच वाला नंबर पूछेगा बीच वाला नंबर जब भी पूछे तो आपको एवरेज निकालना है औसत निकालना है औसत बराबर सबको पता है पदों का योग मतलब कि टोटल जो नंबर है उनका योग मतलब उनका नंबर को क्या होगा सम अपोन क्या है अपोन कुल संख्या मतलब कि अपोन क्या होगा आपका कुल संख्या होता है ये होता है एवरेज का फॉर्मूला या इंग्लिश में बात करूं एवरेज इजिकल टू क्या होता है सम ऑफ नंबर टोटल नंबरों का जितने भी नंबर है उनका जोड़ सारों का योग अपोन टोटल नंबर एवरेज निकालते इसमें बात एक और रखनी है याद जब भी बीच वाला नंबर पूछे तो दोनों के दोनों या तो नंबर लेफ्ट से हो या दोनों के दोनों नंबर राइट से हो कभी भी ऐसा मत करना कि एक नंबर लेफ्ट से दिया हो एक नंबर राइट से और आप एवरेज निकाल दो ये इसकी ट्रिक होती है जब भी बीच वाला नंबर संख्याओं का एवरेज निकालोगे और दोनों के दोनों नंबर या या तो लेफ्ट से से होने होने चाहिए चाहिए आपके पास राइट से होने कभी ऐसा ना हो लेफ्ट राइट आओ अगर लेफ्ट राइट से हो रहा हो तो या तो सारों को लेफ्ट में बदल लो या राइट में बदल लो ये इसका तरीका होता है उम्मीद है समझ में आ गया होगा अब देखा जाए बेसिक से क्वेश्चन लगाते हैं लेफ्ट से कौन सा नंबर दिया लेफ्ट से चौथा नंबर और लेफ्ट से कौन सा नंबर दिया अठारह नंबर देखो दोनों के दोनों हमारे लॉजिक के अकॉर्डिंग लेफ्ट से हैं अब दूसरा स्टेप क्या होगा क्या बताया जब भी बीच वाला पूछेगा बीच वाला पूछे तो क्या निकाल दो एवरेज निकाल दो एवरेज बराबर क्या पदों का योग या सम ऑफ नंबर तो इनका क्या योग निकाल लो चार प्लस अट्ठारह जोड़ लो और बट्टे में क्या कर दोगे अपोन में कौन सा नंबर टोटल संख्या कितनी है भैया संख्या एक ये री, एक ये री. तो टोटल तो संख्या क्या है दो अठारह चार क्या हुआ बाइस और बाइस को दो से भाग करोगे देखो दो से भाग करा क्या आया और स्टार्टिंग पॉइंट देखो कहां से था एल से था मतलब कि लेफ्ट से कौन सा नंबर होगा वो ग्यारह होगा और ग्यारह नंबर बिल्कुल बीच में आएगा याद है ना किंग्स इलेवन पंजाब से क्या होता है के होता है इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है उम्मीद है समझ में आ गया होगा वेरी गुड चले जी आगे चलते हैं क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर चार सीरीज का क्वेश्चन है इसे बनाओ सीरीज वाला

क्वेश्चन मार्क बताओ जी यहाँ पे बीच में क्या आएगा चले जी सीरीज वाला क्वेश्चन सबसे पहली अप्रोच क्या लगाते हो गैप वाली अगर मैं देखू बीस से बारह कैसे बना तो कितना कम हुआ आपके सर आठ बारह से दस कैसे बना आपके सर दो कम हुआ दस से तेरह कैसे बना आपके सर प्लस तीन करा और ठीक है यहां पे अगला बताना तो क्या बताओ यहां से कोई सीक्वेंस नजर आ रहा है माइनस आठ हुआ माइनस आठ के बाद माइनस दो हुआ फिर प्लस तीन हुआ चलो सीक्वेंस कोई ना कोई सीक्वेंस जरूर बनता है मैंने पहले भी बताया था लेकिन सीक्वेंस नहीं बना लेकिन सीक्वेंस नहीं बना हो सकता है डबल गैप से कराओ क्वेश्चन तो यहां से देखो आठ से दो बना कितना गैप है यहां पे छह का दो से तीन का एक का यहां भी कोई सीक्वेंस नहीं बना आपने क्वेश्चन को डबल गैप से भी लगा लिया यहां भी नहीं बना बताओ जी क्या लॉजिक लगेगा स्क्वायर यहाँ पे आपके सर डबल सीरीज का हो सकता है चलो डबल सीरीज देख लेता हूं डबल सीरीज में लॉजिक क्या बताया था पहले नंबर या तो बढ़ेगा या घटेगा फिर उसके बाद वही काम होगा जैसे इसमें देखो बीस के बाद बारह हुआ मतलब कि नंबर क्या हुआ घटा नंबर क्या हुआ आपका यहां पे घटा चलो जी बारह के बाद फिर क्या हुआ फिर घटा यहां तो फिर दोबारा से घट गया इसका मतलब एक बार घटता है एक बार बढ़ता है या एक बार बढ़ता है एक बार घटता है डबल सीरीज का क्वेश्चन वो होता है ये क्वेश्चन डबल सीरीज का भी नहीं है सिबिल सीरीज का भी नहीं है अब देखो डबल सीरीज का भी नहीं है तो और क्या लॉजिक लगा होगा इस क्वेश्चन में लॉजिक देखो स्क्वायर और क्यूब का लॉजिक भी मुझे नजर नहीं आ रहा देखो लॉजिक क्या है ये बीस से बारह कैसे बना ये बीस से क्या बारह कैसे बना बनाने का तरीका देखो क्या इसमें लॉजिक देखो क्या लग रहा है ये एनालॉगिक टाइप का लॉजिक लग रहा है इसमें देखो लॉजिक क्या लगा है बीस से देखो बारह कैसे बना एक एक नंबर की बात करता हूं मैं बीस से बारह बनाने का तरीका इसमें क्या लगा है यहां से लॉजिक है जो नंबर है उसका आधा करो आधा करके उसमें दो जोड़ दिया बीस का आधा करा दस अड़ दस में दो जोड़ोगे क्या बना बारह बना क्या बना बारह बना ये बना ठीक है अब देखो बारह से अगला नंबर देखो बारह से अगला नंबर क्या है से 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 अगला नंबर है है तो मुझे बताओ से दस कैसे बना होगा लॉजिक क्या आधा आधा करो आधा करके भैया बनेगा लेकिन दस बनाना अगले में पहले में दो जोड़ा अगले में क्या जोड़ा अगले में चार जोड़ोगे तभी दस बनेगा चाहे आप देख लो यहां से देखो यहां से देखो बारह का आधा क्या होगा बारह का आधा आपका क्या हुआ छह और छह में देखो क्या हो रहा है छह में चार जोड़े छह चार दस बना चलो जी अगले की बात करता हूं आगे वाले की मैं बात करता हूँ यहां से बात करते हैं चलो यहां से बात करते हैं आगे वाला नंबर क्या है आपका दस बन गया दस से तेहरा कैसे होगा दस से आपका क्या होगा दस से तेहरा बनाने का तरीका क्या है वही लॉजिक क्या है आधा करोगे सबसे पहले दस का आधा करोगे पांच बनेगा और तेहरा बनाना अपने पास से क्या जोड़ोगे आठ तो देखो दस से दस का आधा करा दस का आधा क्या होगा दो से बात करा पांच और पांच में आठ जोड़ा आठ पांच क्या 13 हुआ तेहरा हुआ लॉजिक देखो ये चल रहा है अब देखो सिक्वेंस क्या चल रहा है सिक्वेंस थोड़ा ध्यान से देने की जरूरत है अब आपको क्या बनाना है तेहरे से अगला नंबर आपको बताना अगले वाला नंबर क्या होगा लॉजिक के अकॉर्डिंग देखो थोड़ा सा ध्यान से देखने वाली बात है ध्यान से आप देखोगे देखो ध्यान से देखो हर नंबर क्या हुआ हर नंबर भैया आधा हुआ ये नंबर भी आधा हुआ ये नंबर भी आधा हुआ ये वाला नंबर भी आधा हुआ तो सिक्वेंस के अकॉर्डिंग क्या समझ में आया हर नंबर पहले आधा हुआ तो भैया तेहरे से क्या होगा सबसे पहले ये तेहरा जो है ये आधा होगा आधा होगा अब जोड़ने वाले पाते हैं जोड़ा क्या है देखो हर बार नंबर में अलग अलग जोड़ रहे हो देखो पहले क्या जोड़ा था पहले जोड़ा चार जोड़ा अगली बार क्या जोड़ा चार सॉरी पहले जोड़ा दो फिर आगे में वाली नंबर में चार जोड़ा फिर आगे वाले नंबर में आठ जोड़ा तो जोड़ने का सीक्वेंस क्या चल रहा है देखो दो जोड़ा दो का फिर डबल जोड़ा चार दो का डबल करा चार जोड़ा फिर चार से फिर डबल करोगे क्या जोड़ा आठ जोड़ोगे फिर भैया अगले वाले में आठ पहले वाले में आठ जोड़ा तो इसमें क्या करोगे अगले वाले में आठ का डबल करके जोड़ोगे मतलब कि आठ का डबल करोगे क्या आपका सोलह तो यहां पे कितना ऐड करोगे आप ऐड करोगे सोलह देख रहे हो ऐसे ऐसे लॉजिक पे भी क्वेश्चन आते हैं तो क्या सिक्वेंस के अकॉर्डिंग सबका आधा तो हो रहा है लेकिन जो संख्या जुड़ रही है ना अगले वाले में डबल करके जुड़ रही जैसे पहले में दो जुड़ा तो अगले वाले में दो का डबल चार जुड़ा चार के बाद क्या जुड़ा चार का डबल करा आठ चार दूनी आठ आठ जुड़ा तो आठ के बाद जो अगले वाला नंबर जुड़ेगा उसमें आठ का डबल जुड़ेगा आठ का डबल हुआ सोलह तो यहां से देखो चलो जी यहां से करते हैं दो से भाग करो इसे दो से भाग करो तो दो चिक्का बारह बना कितना बच्चा एक बच्चा पॉइंट लगाओगे एक जीरो होगी दस बनेगा और दो पंजे क्या बना दस बना प्लस सोलह सोलह में छह जोड़ोगे कितना बनेगा सोलह में छह जोड़ा आपका बाईस बना और बाईस पॉइंट पांच बनेगा इसका करेक्ट आंसर क्या हुआ बाईस पॉइंट पांच होगा ऑप्शन नंबर सी उम्मीद है समझ में आया होगा तो कभी कभी जो है आपके सीरीज वाले क्वेश्चन में एनालोगी वाला मेथड भी लग जाता है तो ये भी थोड़ा सा ध्यान देकर चलो करो ठीक है थोड़ा सा ध्यान देने की बात है ऐसे ये सीरीज कटोरी है ऐसे ये सीरीज कटोरी है है ऐसे ठीक समझ पहले वाले वर्ड से दूसरा वाला वर्ड बन रहा दूसरे से तीसरा बना तीसरे से चौथा ऐसे नंबर बनते जा रहे हैं चले जी आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर पांच आपके सामने है बनाने की कोशिश करें मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है बनाओ जी इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा

और यहां पे चौसठ क्या है आप कहोगे सर ये आठ का स्क्वायर सोलह क्या है तो यहां से देखो नंबर क्या क्या है बन रहे नंबर ध्यान से देखो क्या बना पहला नंबर बना ऊपर छह भले स्क्वायर और स्क्वायर को छोड़ दो भी फिर बना आपका चार छ चार आपका नीचे बना दो चलो जी अगले की बात करूं ऊपर क्या बार स्क्वायर छोड़ दो एक बार पांच पांच के बाद तीन बना और तीन के बाद एक बना इसके बाद यहाँ पे आठ बना आठ के बाद यहाँ पे क्या बना यहाँ पे आपका छह बना स्क्वायर छोड़ दो आप बस ओनली नंबर की बात करता हूं अब देखो इनमें लॉजिक थोड़ा सा ध्यान से देखोगे क्या बन रहा है देखो छह से क्या बन रहा देखो अगर मैं नीचे की तरफ चेक करूं छह से क्या बना चार कितना कम हुआ आप कहोगे दो कम करा चार से क्या बना दो तो यहां भी क्या हुआ दो कम हुआ मतलब कि ऊपर से नीचे वाला नंबर पे जब आप जा रहे दो दो कम हो रहा है चाहे इसमें देखो इसमें भी देखने की इसमें भी थोड़ा सा ध्यान से देखो इस वाले में भी थोड़ा सा ध्यान से देखो ध्यान से देखो पांच से क्या बना पांच से तीन बना कितना कम हुआ दो कम हुआ

छ वाला बताओ क्या होगा देखो इसने क्या बनाया जिस प्रकार पहली संख्या से दूसरी संख्या संबंधित है उसी प्रकार तीसरी संख्या का संबंध निम्नलिखित में से कौन सा होगा तीसरी संख्या का रिलेशन आपको बताना है किससे होगा अगर हम साधारण भाषा में बात करें कहना क्या चाह रहा है जिस प्रकार छह से दो बना छह से क्या बना दो बना सेम उसी लॉजिक के अकॉर्डिंग आपको बताना है आठ से क्या बनेगा बताओ जी आठ से क्या बनेगा ऑप्शन नंबर ए होगा बी होगा सी होगा डी होगा बताए जी इसका आंसर मुझे बताए क्या बनेगा से घटा के, तो के देख लू चार आठ में से चार गए क्या बच्चा चार चार तो ऑप्शन में भी नहीं है चलो ये लॉजिक फेल हुआ चलो अगर मैं देखू आप कहोगे सर यहाँ तीन से भाग कर दो तीन से भाग करने पर तीन दूनी क्या छह तो इसे भी भैया तीन से भाग करूं तीन से भाग ये हो नहीं सकता ये भी लॉजिक नहीं लग रहा ये भी आपका लॉजिक नहीं लग रहा बताओ जी और कौन सा लॉजिक लगेगा चले जी बताएं, कमेंट सेक्शन में आंसर दे मुझे इसका आंसर क्या होगा देखो यहाँ पे लॉजिक क्या लगा है थोड़ा सा अगर ध्यान से देखोगे ना छह से दो कैसे बन रहा है तो देखो ये छह से दो कैसे बना ये सबसे पहले क्या किया आपने छ से दो बनने में आप एक काम करो सबसे पहले जो नंबर है ना उसका आधा करो उसका आधा करके क्या काम करो उसका आधा करके अपने पास से एक कम कर दो देखो छह का आधा करो दो क्या बना दो छ और तीन में से एक कम करोगे क्या बनेगा तीन में से एक गया दो ये लॉजिक लगा है ये लॉजिक लगा है सेम लॉजिक आप आठ में लगाओ देखो आठ से अगला नंबर क्या बनेगा लॉजिक मैंने क्या बताया जो नंबर है उसका सबसे पहले आधा करो आधा करके उसमें से क्या कर लो आधा करके उसमें से माइनस कितना कर लो अपने पास से एक आधा करोगे दो चौक आठ आया और चार में से एक माइनस करा चार में से एक गया तीन बचेगा क्या तीन है कि हाँ जी बिल्कुल है ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा उम्मीद है समझ में आ गया होगा चले जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर सात आपका सेट वाला क्वेश्चन है बनाने की कोशिश करें इसका आंसर क्या होगा देखो क्या कह रहा है इसने कहा निम्नलिखित में से असंगत संख्याओं को चुने संख्याओं को आपको चुनना है मतलब कि कहने का मतलब अगर हम साधारण भाषा में बात करें इनमें से तीन ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आपस में कोई संबंध है आपको वो ऑप्शन बताना है जो 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 आपका बाकी तीन से सबसे अलग और डिफरेंट हो बताएं जी इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा 85 एक सौ छत्तीस चौतीस पिचासी एक सौ दो एक सौ तिरपन जो है तिर और आपका बताएं जी, क्या होगा इसका इन संख्याओं में लॉजिक क्या लगा होगा अगर आप चलो डिफरेंस देखते हैं आप देखो छह में से पांच गया एक का अंतर ठीक है एक घटा लो इन्हें घटा के देखो अगर मैं देखो यहां से घटाते हैं यहां से घटाया यहां तो आपका छह में से पांच गया एक और आप देखो यहां से घटाओ यहां से घटाओगे तेरे में से आठ गया आप कहोगे हो गए में से आठ गया आपका पांच बना ठीक है इक्यावन कितना इक्यावन का डिफरेंस है इसमें डिफरेंस देखो पांच में से चार गए एक का आठ में से तीन गए आपके कितने बचा आठ में से तीन गए आपका इक्यावन का डिफरेंस है यहां अगर मैं देखू तीन में से दो गया कितने का डिफरेंस है एक का इसके बाद देखो यहां से देखो आपका क्या बचा एक सौ तिरपन में से आप क्या घटा लो एक सो दो घटा लो डिफरेंस निकालते हैं तीन में से दो गया एक पांच ये बचा और यहाँ जीरो, तो डिफरेंस इसका, इसका भी क्या अंतर आ रहा? 51 का. इसका भी छह गए, गए आपका नौ निन्यानवे का डिफरेंस कितने का निन्यानवे का डिफरेंस है देखो यहां पे यही क्वेश्चन बन गया यहां पे डिफरेंस देखा जाए यहां पे अंतर देख रहा हूं सब्नवे का डिफरेंस आया बाकी सारों में बाकी सारों में कितने का

कि जहां भी आपको पी दिखे वहां पे आपको कौन सा सिंबल लेना है गुणा वाला मल्टीप्लाई वाला आर का अर्थ है प्लस यानी कि जहां भी आपको आर नजर आए जहां भी आपको आर नजर आए वहां पे लिखो प्लस ऐसे ही यहां पे दिया टी का मतलब क्या है माइनस जहां भी आपको टी दिखाई दे उसका मतलब क्या होगा टी का मतलब होगा माइनस आगे कहा w का अर्थ है डिवाइड मतलब कि जहां भी आपको डब्ल्यू दिखे वहां पर आपको रखना है डिवाइड और एक इक्वेशन आपके सामने है और इस इक्वेशन को सोल्व करके बताना है इसका आंसर क्या होगा तो जो जो चीज दी है क्वेश्चन में वो वो चीज आप जो है चेंज कर लो तो सबसे पहले क्या दिया सिक्स फोर दिया है सिक्सटी फोर के बाद डब्लू देखो डब्लू का मतलब क्या है डब्लू का मतलब है डिवाइड का सिंबल भाग का सिंबल इसके बाद चार इसके बाद क्या दिया है? पी

छह में से छह में से चार गए दो बच्चे चौबीस बन गए ये और चार छिंग क्या हुआ चौबीस सोलह भाग के बाद क्या और, चार, चार और माइनस छ इसके बाद प्लस ठीक है इसके बाद प्लस करते प्लस वाला करो एक सौ अट्ठाइस एरा या प्लस का चार एरा एक सौ अट्ठाइस चार क्या हुआ एक सौ बत्तीस ठीक है इसका माइनस छ जिनका आंसर एक सौ छब्बीस आ रहा करेक्ट हो यहां

एक दो तीन तीन डाइस दिए देखो क्या कह रहा है ध्यान से देखो क्या कह रहा है इसने कहा एक पासे की तीन स्थितियां दिए गए हैं एक पासे की जो है तीन कंडीशन आपको दी गई हैं अब देखो क्या ना क्या चाह रहा है ये कह रहा है उनके आधार पर पता करके उनके आधार पर पता करें कि दिए गए घन के दिए गए घन में संख्या दो के विपरीत कौन सी संख्या होगी आपको दो जो नंबर है उसका अपोजिट नंबर बताना कौन सा होगा पासे वाला क्वेश्चन है बनाओ जी इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए होगा बी होगा सी होगा या डी होगा दो का अपोजिट बताना है मैंने आपको पहले भी एक चीज बताई है छोटी छोटी मगर मोटी बातों की बात चलते हैं याद रखना जब भी पासे वाला क्वेश्चन हो हमारी पहली अप्रोच होनी चाहिए कि जब हम दो दो पासों पासों की तुलना करें करें कंपेयर करे, हमें ऐसे दो नंबर अगर मिल जाए जो दोनों पासों में कॉमन आ रहे हैं तो हमारा काम सबसे आसान होता है जो नंबर आपको कॉमन मिले उसको छोड़कर जो नंबर बच जाते हैं वे एक दूसरे के अपोजिट होते हैं सबसे पहले दो का अपोजिट पूछा है तो दो वाला फिगर तो आपको लेनी है ऐसा पासा तो लेना है जिस डाइस में आपका दो नंबर लिखा हो दो नंबर किस डाइस लिखा इसका मतलब डाइस

क्वेश्चन जो है थोड़ा डिफरेंट तरीके के आ जाए और मेरा यही मानना है कि मुझे आपको इस तरह मजबूत बनाना है कि सिलेक्शन आप लेना आपका एक ही एम होना चाहिए एक ही पर्पज होना चाहिए जो एम आपका है वही एम मेरा है आपके साथ मैं भी आपके साथ बिल्कुल तैयार हूं ठीक है चले जी नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें देखो इसने क्या कहा ध्यान से सुनना एक घन की सतह रंगीन की जाती है एक क्यूब है उसकी जितनी भी सरफेस है उन सरफेस को सारों को रंगा गया है कलर से चलो जी यदि इसमें से यदि इसमें से कई छोटे घन निकाले जाते हैं एक बड़ा घन होगा एक बड़ा सा क्यूब है उसमें से छोटे छोटे करके घन घन निकाल रहे हो, मतलब कि एक बड़े से में से में आपने क्या किया छोटे छोटे घन निकाले छोटे छोटे जो क्यूब है बड़े क्यूब में से छोटे छोटे क्यूब काट दिया आपने एक बड़ा क्यूब एक छोटा क्यूब समझ में आया बात अब देखो इसने देखो यह वाली लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है इसने कहा तो प्रत्येक पक्ष तो प्रत्येक पक्ष जो है एक बटे चार मूल घन के पक्ष के आकार का बराबर है तो प्रत्येक पक्ष का मतलब प्रत्येक की जो साइड है पक्ष का मतलब जो साइड है या भुजा जो है वो एक बटे चार बराबर है एक बटे चार मूल घन के पक्ष के आकार के मतलब कि जो इसके प्रत्येक की जो साइड है जो प्रत्येक नंबर की जो साइड है मतलब कि साइड का मतलब जो प्रत्येक नंबर की साइड है या है, साइड जो है, जो है, वो एक बटे चार है किसकी एक बटे चार है मूल घन मतलब की किसकी मूल घन की मतलब कि जो मेन वाला आपका क्या है मेन वाला आपका जो है मेन वाला क्यूब जो है उसकी क्या है आपकी एक बटे है क्या है एक बटे चार समझ में आया अब आपसे पूछा क्या है आपसे पूछा है केवल एक केवल एक तरफ रंगे की, रंग किए की गए घनों की संख्या बताइए ऐसे घनों की टोटल आपसे पूछा है ऐसे टोटल घन कितने होंगे जिनकी मात्र एक सरफेस एक सतह रंगी गई है तो याद रखो सबसे पहले आपको निकालना है एक सतह में कौन सा फॉर्मूला लगाते हो जब भी आपसे कहे कि एक सतह वाला बताओ एक सरफेस ऐसे टोटल क्यूब बताओ ऐसे टोटल घन बताओ जिनकी केवल एक सरफेस रंगी हो एक सरफेस कलर हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है सिक्स एन माइनस टू क्या होता है एन माइनस टू का होल स्क्वायर होता है ये आपका क्या होता है सिक्स एन माइनस टू का होल स्क्वायर तो अब आपको एन चाहिए अब आपको क्या अगर इसमें एन मिल जाए तो क्वेश्चन में काम हो जाएगा आपका और एन बराबर मैं यहां लिख देता हूं एन बराबर क्या होता है यहां से देखो n बराबर होता है बड़े वाले बड़े घन की भुजा n बराबर क्या होता है बड़े घन की भुजा मतलब कि आपका जो आपका बिग वाला जो है बड़े वाला जो क्यूब है उसकी साइड अपॉन छोटे घन की भुजा मतलब कि जो छोटा आपने क्यूब बनाया उसकी साइड ठीक है ये होता है n का वैल्यू तो आपको n चाहिए अब जो क्वेश्चन में कहा है उस वाली की लैंग्वेज पे चलते हैं किसने कहा प्रत्येक की जो साइड है मतलब कि ये साइड किसकी है भैया ये साइड छोटे वाले की साइड कही छोटे वाला जो क्यूब है उसकी साइड क्या होगी उसकी साइड क्या है एक बट्टे चार मूल घन के मतलब कि मूल घन का मतलब मान तो लू यहाँ पे जो है मूल घन जो है अगर मैं यहाँ पे मान लू चार जो नीचे लिखा वो मान लो अगर मूल घन मतलब की बड़ा घन अगर चार है तो चार से चार कट गया तो छोटे घन की भुजा कितनी आई छोटे घन की भुजा आपकी आई एक तो ऐसी बड़े घन की भुजा कितनी होगी भैया बड़े घन की भुजा मुझे बता दो बड़े घन की भुजा बताओ भैया कितना होगा आप कहोगे सर बड़े घन की आपने मानी थी चार नीचे वाली अगर बड़े घन की भुजा मैंने नीचे वाली इसने कहा ना इसकी लैंग्वेज समझो इसने कहा प्रत्येक भुजा मतलब की साइड जो है एक बटे चार है मूल घन के अगर मैं मूल घन मूल घन के आकार के मतलब आकार कहा ना आगे मतलब की मूल घन की जो है भुजा के बराबर है मैंने बताया जो चीज नीचे लिखी होती है उसे हमेशा बराबर बराबर मान लिया करो जो बराबर. अगर मैं मूल या मूल घन घन या की भुजा मतलब कि बड़े वाले घन की भुजा अगर नीचे मान लू चार तो चार से चार कट होगा इसका मतलब एक बचेगा एक भुजा किसकी हुई छोटे घन की और बड़े घन की भुजा हुई एन तो एन बराबर अभी मैंने बताया क्या हो बड़े घन की भुजा तो बड़े वाला जो घन है बड़े वाला क्यूब है उसकी भुजा चार है और छोटे वाला जो है उसकी भुजा अभी आपने निकाली साइड एक तो एन बराबर क्या आया आपका चार आया ये कहना चाहता है लैंग्वेज में एन बराबर चार आया अब एन का मान इसमें रख दो का का मान इसमें रखा होल स्क्वायर पे बचा, यहां पे बचा में से दो गए आपके क्या बचा दो और दो का स्क्वायर करोगे तो इधर लिख देता हूं छह दो का स्क्वायर क्या होता है चार तो छुणा चार जो भी नंबर आपस में मिला रहे उनके बीच गुणा का निशान होता है याद रखना मल्टीप्लाई छत चौक क्या बना छत चौक चौबीस बना तो इसमें जो आपके वन साइड वाले जो हैं, जिनकी सरफेस केवल ऐसे घन जिनकी केवल एक सरफेस रंगी गई है उसके कितने हैं? आप कहोगे सर उसमें जो है चौबीस है चले जी आगे चलते हैं आपको याद रखना है साथ ही साथ आपको ये भी करना क्या है आप आप डाउनलोड करें और वहां से आप ये वाले बैच परचेस कर लें चले जी इसके बाद क्वेश्चन नंबर ग्यारह आपके सामने है। बनाने की कोशिश करें देखो क्या कह रहा है दी गई आकृति में वर्गों की संख्या बताइए आपके सामने ये वाली जो फिगर है इसमें आपको काउंट करके बताना है इसमें कितने स्क्वायर है बताओ जी इसमें कितने स्क्वायर आपको नजर आ रहे हैं याद रखना एग्जामिनर करता क्या है बेसिक फिगरों को आपस में मर्ज करके दे देता है बेसिक फिगरों को क्या करता है आपस में जोड़ता है और आपसे पूछता है आपको कंफ्यूज करता है सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन आए करने का इजी सा तरीका होता है सबसे पहले बेसिक फिगर पे काम करो बेसिक फिगर इसमें क्या है? ध्यान से देखो पहले बेसिक फिगर बनते हैं सबसे पहले बेसिक फिगर में बात करते हैं एक दो तीन चार ऐसी एक दो तीन चार बेसिक फिगर आपकी ये है ये वाली है बेसिक फिगर क्या है ये वाली है जब भी ऐसी फिगर हो स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होता है स्क्वायर निकालने का तरीका पंक्ति में मतलब कि कोमलम में ऐसे नंबर डालो स्तंभ में मतलब कि रो में नंबर डालो चलो जी नंबर डालता हूं एक दो तीन चार पांच ऐसी भैया नीचे की साइड नंबर डालो दो तीन चार पांच याद रखना जब भी यहां लास्ट वाला नंबर और ये शुरू ये वाला यदि दोनों के लास्ट वाले नंबर अगर सेम आ रहे हो ना तो स्क्वायर गिनने का तरीका क्या होता है जितने भी नंबर हैं जितने भी इसमें नंबर यूज किए गए हैं हर एक का स्क्वायर करके जोड़ दो दोबारा मैं बता रहा हूं कभी भी जैसे आपने पंक्ति में नंबर डाले आपने स्तंभ मतलब कि रो में नंबर डाले अगर पंक्ति का जो है कोलम का लास्ट वाला नंबर और आपका रो का लास्ट वाला नंबर अगर सेम है तो आपको स्क्वायर निकालने का तरीका क्या होगा का स्क्वायर निकालने का सिंपल तरीका होता है जितने भी नंबर हैं उन सारों का स्क्वायर करके जोड़ दो और जोड़ने पर जो नंबर आएगा वो ही उसमें उतने ही स्क्वायर होंगे तो यहाँ पे नंबर कौन कौन से लिखे थे आपने नंबर लिखे थे एक तो एक का स्क्वायर दूसरा नंबर था दो का स्क्वायर तीसरा भी नंबर लिया था तीन का स्क्वायर चार भी लिखा था चार का स्क्वायर और यहाँ पे पांच भी लिया था लास्ट नंबर पांच तो सारों का स्क्वायर करके जोड़ दो क्योंकि ये जो है पंक्ति और स्तंभ दोनों के दोनों बराबर आए एक का स्क्वायर एक दो का स्क्वायर दो दूनी चार तीन का स्क्वायर याद है ना नो चार का स्क्वायर सोलह और पांच का स्क्वायर पच्चीस तो यहां से देखो अब सारों को जोड़ो अगर मैं जोड़ू सोलह और नो क्या हुआ पच्चीस तो पच्चीस ये हुआ पच्चीस ये हुआ पचास बन गया और पचास में चार ये जोड़ो एक यूरो और पचास और चार और एक पांच तो आपका पांच और जोड़ोगे अगर यहां से देखे जाए बेसिक फिगर से कितने बने बेसिक फिगर से स्क्वायर बने पचपन अब मेरी एक बात और ध्यान रखो मैंने पहले भी बताया जब भी किसी फिगर में ऐसी बॉक्स वाली फिगर में कभी भी प्लस का निशान लग रहा हो उसमें पांच स्क्वायर बनते हैं पांच वर्ग बनते हैं डायरेक्ट याद कर लो आप पूछोगे सर कैसे बनेंगे तो देखो एक तो ये बना एक तो ये बना दूसरे वाला आपका ये बना तीसरे वाला आपका ये वाला वर्ग बना स्क्वायर और चौथा ये बना और पांचवा बड़े वाला तो ऐसे जब भी किसी बॉक्स में याद रखो बॉक्स में प्लस का सिंबल बने उसका मतलब पांच स्क्वायर बनते हैं तो देखो ये वाला बॉक्स बन रहा पहला बॉक्स बना इसमें क्या है आपका प्लस का निशान है तो पांच इससे बनेंगे चलो जी एक बॉक्स आपके सामने रहा और इसमें भी क्या है इसमें भी प्लस का निशान है पांच इससे बनेंगे अब बेसिक फिगरों को मर्ज करने पे देखा हमने यहां से देखो ये भी बॉक्स है इससे भी क्या बनेंगे इससे भी पांच बनेंगे और यहां पे देखो ये भी एक बॉक्स है और इसमें भी प्लस का निशान है पांच इससे बनेंगे तो देखो टोट कितने बने पांच और पांच दस दस पांच पंद्रह पंद्रह पांच बीस भाई आपके फिफ्टी फाइव तो आपके बेसिक फिगर से बन रहे थे और बीस इनसे बनेंगे आप

लगता है का आपको यह बताना है एम क्या लगता है का बताएं जी फैमिली ट्री बनाएं इसका आंसर मुझे बताएं क्या होगा एक एक लाइन पढ़ो और बनाने की कोशिश करें देखो पहली लाइन में पढ़ता हूं एम क्या दिया है एम दिया है पी का पुत्र है एम कौन है पी का पुत्र तो पी ये रहा और यहां पे ये यह है ये आपका पी जो है पी का पुत्र कौन है पी का पुत्र है एम ठीक है एम पुत्र है इसका मतलब प्लस लगाओ मेल याद रखना ये जो सिंबल लगाया इस सिंबल में ऊपर की तरफ माता पिता और नीचे के संतान इसका मतलब ऊपर या तो पिता होंगे या माता होंगे चलो अगली लाइन पढ़ता हूं क्यों क्यों जो है ओ की पोती है क्यों ओ की पोती है जो पी का पति है जो पी का पति है देखो ये लाइन बड़ी काम की है जो जब जब जो वर्ड आ जाए जब जब जो वर्ड आ जाए या वर्ड आ जाए उसका रिलेशन अपने से जस्ट पहले वाले पहले वाले पहले वर्ड या या अक्षर आपका व्यक्ति के साथ होता है है तो ये जो जो है, ओ को रिलेट कर रहा है जो से पहले, से पहले पहले ओ शब्द आया जस्ट पहले वाला लेना है ना कि इसका संबंध क्यू से नहीं है इसका संबंध जब भी जो आता है हु आता है उसका रिलेशन अपने से जस्ट पहले वाले से होगा तो इस लाइन का मतलब क्या है क्यू ओ की पोती है जो जो मतलब क्या है ओ जो है ओ जो है वो कौन है ओ जो है वो क्या है पी का पति है ओ कौन है ओ जो है वो पी का पति इस लाइन का मतलब है पी का पति कौन है भैया पी का पति कौन है आप हस्बैंड वाइफ होंगे पी और पी का पति कौन है ओ है ओ पति है इसका मतलब मेल है प्लस लगा दो और इस सिंबल का मतलब हस्बैंड वाइफ के लिए एर्सन का रिएक्शन जब ये पति है तो दूसरी साइड में पत्नी होगी माइनस लगा दो अब जो लाइन छोड़ी थी वो लाइन देखते हैं इसने कहा क्यों जो है वो कौन है ओ की पोती भैया ओ की कौन है पोती और ओ की पोती कौन होगी उसके बेटे की बेटी ओ की पोती कौन होगी उसके बेटे की बेटी आप मुझे बताओ आप मुझे एक बात बताओ जब पी और क्यू ओ जो है हसबेंड वाइफ है और पी का बेटा एम है इसका मतलब ओ का बेटा भी एम हुआ तो भैया ये बता दो इसने कहा क्यों जो है वो ओ की पोती है ओ की पोती कौन होगी उसके बेटे की बेटी तो ओ का बेटा कौन कौन है है ओ का बेटा एम है, और एम 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 और की 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 बेटी 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 ही उसकी पोती होगी तो हो क्यों ये वाला सिंबल ऊपर माता पिता नीचे संतान बेटी है माइनस लगाया अब देखो क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है एम क्या लगता है ओ का तो देखो एम क्या लगता है भैया एम तो बेटा ही तो लगेगा देखो फैमिली ट्री में देखो एम क्या लगेगा आपका बेटा लगेगा भाई जब ये एम का बेटा हुआ पी का और पी इसके पिता हुए और पी की पत्नी कौन हुई भाई पी की पत्नी ओ हुई तो पिता की पत्नी माता ही तो है, उम्मीद है, समझ में आया हुआ चले जी, इसके बाद क्वेश्चन नंबर तेरह कैलेंडर का क्वेश्चन है बनाने की कोशिश करें इसका आंसर मुझे बताए क्या होगा चलिए जी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और बनाने की कोशिश करें देखो इसने क्या कहा कह शनिवार है मतलब कि छह दिन के बाद अगर शनिवार है तो आपसे पिछाए तो बीते हुए कल से नो दिन पहले कौन सा दिन होगा बताओ जी बीते हुए कल से नौ दिन पहले कौन सा दिन था ऑप्शन नंबर ए सोमवार बी शुक्रवार सी बुधवार या डी गुरुवार बताएं जी इसका आंसर करेक्ट क्या होगा याद रखना जब भी बीता हुआ कल आने वाला कल या कुछ भी ऐसा क्वेश्चन आए अगर क्वेश्चन को इजी बनाना तो एक तरीका आज सीख लो एक ट्रिक सीख लो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए उसको टूडे से बनाओ आज से बनाओ कहां से बनाओ इस वाले क्वेश्चन को ऐसे टूडे लिखो मतलब कि आज से क्वेश्चन को बनाना है देखो जो जो लाइन कह रहा वो देखते हैं इधर आगे की साइड लोगे तो आगे आएगा पीछे की साइड पीछे वाली बात करेंगे इसने कहा छह दिन बाद भैया क्या है शनिवार तो यहां से मुझे कहा गया यहां से मैं जाऊं छह दिन बाद छह दिन बाद छह से अगले दिन छह दिन बाद क्या है शनिवार मतलब कि छह से अगले वाला दिन क्या हुआ आपका हुआ यहाँ पे शनिवार चलो जी यहां से आगे की तरफ गए तो आगे की तरफ ये चलो जी अब क्या कह रहा बीते हुए कल से तो बीता हुआ कल इससे आज से पहले होगा तो बीता हुआ कल मतलब कि एक दिन बीता हुआ कल हुआ और उसके बाद क्या नौ दिन पहले मतलब कि नौ दिन पहले का मतलब दिन दिन पहले का मतलब आपका नोवा दिन होगा तो भैया एक दिन बीता हुआ कल हुआ और उससे नौ दिन पहले मतलब मुझे बता दो मतलब हिंदी में विषम दिन बताओ कैलेंडर के विषम दिन निकालते हैं आपके विषम दिन कितने जितने नंबर है तो नंबर देखो कितने नो और नो और एक दस दस क्या छह

तो भी रिमाइंडर शेष बचता है उसे ओड डे बोलते हो तो ओड डे जब हमने छोटा किया तो ओड डे आपका आया आप दो क्या आया दो आया अब इस ओड डे का करना क्या होता है अगर आगे वाला देखो पीछे वाला दिन देके आगे वाला पूछे तो ओड डे जोड़ दो अगर पीछे का दिन देके देखो पीछे का दिन देके आगे वाला पूछे तो ओड डे उसमें जोड़ दो अगर आगे का दिन देके पीछे वाला पूछे तो उसे डे को घटा दो देखो इसमें आगे का दिन दिया था आगे का दिन दिया था और यहां पे जो क्वेश्चन आया पीछे का दिन पूछ रहा है आगे का दिन देके पीछे का दिन पूछ रहा है मतलब कि पीछे वाला दिन पूछा है तो इसका मतलब क्या होगा आपका जो सैटरडे आ रहा था उसमें से क्या काम करोगे जब आगे का दिन देके पीछे वाला पूछे माइनस कर दो तो में दो माइनस करोगे तो क्या होगा यहां पे देखो से दो माइनस करो सैटरडे से एक माइनस करा आपका फ्राइड आया, फ्राइडे से भी आपने एक करा, तो आपका करेक्ट आएगा? आएगा। मतलब आंसर है उम्मीद है समझ में आया होगा बताओ समझ में आया सबको वेरी गुड बहुत अच्छे चले जी बहुत अच्छे बच्चे छोटी छोटी चीजें अच्छे समझते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर चौदह पे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने बनाओ जी इस वाले को आपका इमेज वाला क्वेश्चन ध्यान से देखो क्वेश्चन को और बनाने की कोशिश करें एक घड़ी में केवल तीन छह नौ और 12 के स्थान पर बिंदु लगे हैं मतलब कि घड़ी में लगे ही होते हैं नॉर्मली तीन पे लगा होता है छह पे नौ पे बारह पे सबको पता है बहुत अच्छी बात है। ये अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इसे थोड़ा ध्यान से पढ़ना इसने कहा उस घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया घड़ी को दर्पण के सामने उल्टा रखा गया है याद रखना जब भी घड़ी को या किसी भी चीज को दर्पण के सामने उल्टा करके रखते हो तो वहां पे क्वेश्चन बनता है वाटर इमेज का मतलब कि जल प्रतिबिंब का याद रखना है मैं दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूं छोटी छोटी मगर मोटी बातें फिर बता रहा हूं जब भी किसी भी चीज को दर्पण के सामने मिरर के सामने उल्टा करके रखोगे तो वहां पे क्वेश्चन बनता है किसका जल प्रतिबिंब का तो यहां पर ये क्वेश्चन किसका है सबसे पहले तो पहचान कर लो ये क्वेश्चन आपका वाटर इमेज का क्वेश्चन बन गया मतलब कि जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन बना है आपका ये चलो जी अब जल प्रतिबिंब का क्वेश्चन बना तो इसने क्या कहा इसने कहा यदि घड़ी में 20 बजकर कर 42 मिनट 20 42 का मतलब क्या है इसको रियल टाइम में बदलो 20 का मतलब भैया 8 8 बज के 42 मिनट होते हैं 20 वही तो टाइम होता है 20 42 का मतलब 8 बज के 42 बजे हैं तो आपसे पूछा है प्रतिबिंब समय क्या होगा मतलब कि इमेज वाला टाइम आपसे पूछा है आपको जो है घड़ी में टाइम दिया है बीस बयालीस का मतलब 8 अगर हुए हैं और उस घड़ी तो तो या तो भैया वो क्या देगा टाइम देके इमेज पूछेगा या इमेज देकर टाइम पूछेगा जब जब वाटर इमेज का क्वेश्चन आए नोट डाउन करना बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं जब जब वाटर इमेज का क्वेश्चन आए आपको जो भी टाइम दे टाइम चाहे वो मेन टाइम हो चाहे इमेज वाला टाइम हो उस टाइम को भैया या तो, तो, तो देगा उस टाइम को या तो आप माइनस करो अठारह तीस में से या माइनस करो सत्रह नब्बे में से अब बच्चे कंफ्यूज सर अट्ठारह तीस में से करें या सत्रह नब्बे में से करें कोई दिक्कत नहीं मैं मौजूद हूं मैं कंफ्यूजन दूर करूंगा याद रखना जब भी मेरी बात ध्यान से सुनना जब भी क्वेश्चन में वो टाइम देगा अगर टाइम में जो मिनट दी गई है अगर वे मिनट तीस या तीस से कम हो मिनट जो दी होगी टाइम में एक पक्का एक टाइम होगा और टाइम में देखना आपको चेक करना है अगर जो मिनट जो है तीस या तीस से कम दी हो अगर मिनट तीस या तीस से कम दी तो आपको माइनस करना है किसमें से अट्ठारह में से समझ में आया अगर मिनट तीस दी हो या फिर तीस से कम दियो तब माइनस करो अठारह तीस में से अगर जो आपका जो टाइम देगा अगर उसमें मिनट जो है अगर मिनट तीस से ज्यादा हो अगर मिनट तीस से ज्यादा मतलब कि इकतीस मिनट भी दे दी बत्तीस दे दी तब आपको सत्रह नब्बे और बयालीस का मतलब क्या तीस से ज्यादा है आप कहोगे कम है जब जब तीस से ज्यादा होगा अगर ये तीस से ज्यादा है तो किसमें से घटाओगे देखो तीस से ज्यादा वाले के लिए सत्रह नब्बे में से माइनस करते हो तो पे क्या काम करो आप सत्रह नब्बे में से कौन सा कर लो जो टाइम आपके पास है है क्या को माइनस कर दो भैया आप तो नौ बजकर अड़तालीस मिनट ऑप्शन नंबर चौदह का बी ऑप्शन करेक्ट है उम्मीद है समझ में आ गया होगा ठीक है चलिए वेरी गुड आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर की तरफ क्वेश्चन नंबर पंद्रह डायरेक्शन वाला क्वेश्चन है बनाने की कोशिश करें इसका आंसर क्या होगा देखते बड़ा जो है गंभीर क्वेश्चन लग रहा होगा ना लेकिन ये क्वेश्चन चुटकी ये क्वेश्चन आप जो है ना कुछ सेकंड में कर दोगे देखो इसने क्या कहा इसने कहा एक व्यक्ति 80 मीटर उत्तर की ओर जाता है 80 मीटर कहां जा रहा है उत्तर की ओर जा रहा है ठीक है उत्तर की ओर चलने के बाद 80 मीटर उत्तर की ओर चलने के बाद अपनी दाई ओर मुड़ता है अपनी कहाँ मुड़ रहा है दाई ओर मुड़ता है और 50 मीटर चलता है वहां से वो पुनः फिर क्या मुड़ रहा फिर उसने राइट लिया और राइट मुड़कर कितना चला 30 मीटर इसके उपरांत फिर से उसने क्या लिया एक राइट लिया और मुड़कर 40 मीटर चला अब वह फिर से एक राइट लेता है और इस बार कितना चला 40 मीटर अंत में वह बाई मुड़ा अंत में वो कौन सा मोड़ लिया उसने लेफ्ट लिया और वो कितना चला तीस मीटर ठीक है ये पढ़ लिया पूछा क्या है आपसे पूछा है तो व्यक्ति का मुख कौन सी दिशा में होगा आपको बताना है व्यक्ति का जब अब फेस बताना है कौन सी दिशा में होगा बेसिक से क्वेश्चन लगाओगे क्वेश्चन लगाते लगाते टाइम निकल जाएगा अब मेरी बात थोड़ी सी ध्यान से सुन लो याद रखना जब भी कोई डायरेक्शन दिशा देके लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट रे और आपसे लास्ट में डायरेक्शन पूछे जब भी कोई डायरेक्शन देके आपको जो है लेफ्ट ले कभी राइट right, कभी लेफ्ट कभी राइट right, ऐसे ले और लास्ट में आपसे पूछे कि जो व्यक्ति चलना शुरू किया था अब उसका फेस किस डायरेक्शन में होगा तो आपको करना क्या कुछ नहीं करना आपको सिर्फ लेफ्ट और राइट right काउंट करने हैं तो देखो लेफ्ट और राइट right काउंट तो सबसे पहले क्या लिया था देखो सबसे पहले उसने लिया राइट तो एक नंबर पे क्या लिया उसने यहां पे सबसे पहले लिया राइट राइट लिखा फिर उसने देखो फिर उसने राइट लिया राइट लिखा फिर भैया उसने क्या लिया राइट लिया राइट लिखा इसके बाद लास्ट में लेफ्ट लिया याद रखना एक राइट से एक लेफ्ट कट जाता है एक राइट से आप एक एक सेकंड एक सेकंड यहां से देखो क्या है देखो एक राइट ये लिया दूसरा राइट ये लिया तीसरा राइट ये लिया तीसरा ये राइट लिया और चौथा राइट इसने लिया चार राइट और उसके बाद लेफ्ट याद रखना एक लेफ्ट राइट से जो है एक लेफ्ट से राइट कट जाता है राइट से लेफ्ट तो रेफ्ट से आपके पास क्या बचे आपके पास तीन राइट बचे क्या बचे बचे आपके पास तीन राइट याद रखना तीन राइट याद कर लो तीन राइट बराबर होता है एक लेफ्ट के तीन राइट किसके बराबर होता है एक लेफ्ट के या कभी भी आपका जो है कभी भी क्वेश्चन में तीन लेफ्ट आ जाए तीन लेफ्ट का मतलब होगा याद कर लो वन

तो इधर गया लेकिन जा रहा उत्तर की ओर तो मतलब नाखून की साइड तो यहां से जब वो एक लेगा जो बचा, एक लेगा तो वहां तो वह आप, आप उसका फेस कौन सा होगा लेफ्ट लेती वो जो है पश्चिम में आ गया ऑप्शन नंबर क्या होगा? नंबर इसका का क्या हुआ? का नंबर होगा डी उम्मीद है समझ में आया होगा चले जी इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर सोलह क्वेश्चन नंबर सोलह आपके सामने बनाने की कोशिश करें ऑर्डर रैंकिंग का अच्छे लेवल का क्वेश्चन है बताओ जी इसका आंसर क्या बनेगा ध्यान से देखें इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देकर बनाएं इसने कहा 29 लड़कों की एक पंक्ति में रोहित बाएं छोर से सत्रवा है भाई उन्तीस टोटल लड़के हैं उसमें रोहित जो है लेफ्ट से कौन सा नंबर है रोहित का लेफ्ट से सत्रवा नंबर है बहुत अच्छी बात है आगे बात करूं और एक लड़का करण है और करण का नंबर जो है राइट से करण जो है राइट से कौन से नंबर पे सत्रह नंबर पे तो आपसे पूछा है उस पंक्ति में <stairs Colored into email> उस पंक्ति में उनके बीच, उनके बीच कितने लड़के बैठे हैं उनके बीच कितने लड़के बैठे हैं अगर मैं देखू यहां से बेसिक से क्वेश्चन करूं ये वाला छोर हो गया लेफ्ट वाला और ये वाला छोर हो गया राइट right वाला अगर ये यहां पे है यहां पे भैया लेफ्ट से कौन से नंबर पे अगर देखा जाए रोहित जो है रोहित है यहां पे रोहित लेफ्ट से सत्रवे नंबर पे होगा अगर इधर में देखू यहां से आपका जो है करण जो है इधर आपका क्या है लेफ्ट छोर या राइट अगर देखो करण आपका यहां पे लिख लू मैं क्या आपका करण जो है यहां पे देखो यहां पे करण है और ये करण राइट से कौन से नंबर पे सत्रह और इनके बीच में पूछ रहा तो देखो सत्रह ये हुआ और सत्रह ये हुआ और दोनों को जोड़ोगे टोटल नंबर कितना बैठेगा सत्रह सत्रह चौतीस सत्रे, सत्रे, अगर देखोगे अगर मैं पूछू टोटल नंबर क्या है आप क्या गो? सर सत्रह सत्रह नंबर का केस क्या होता है ये राइट वाला इसको पार करेगा राइट वाला कहां बनेगा सत्रह कहीं यहां पे बनेगा इसका मतलब लॉजिक कंफर्म हो गया जब बच्चे उन्तीस है तो चौतीस कैसे हो जाएंगे हो ही नहीं सकता जब चौतीस नहीं होंगे इसका मतलब केस कौन सा बनेगा अवर लेप का मतलब कि ये जो राइट से जो बंदा बैठा है ये से जरूर कहीं ना कहीं कट करेगा कहीं ना कहीं क्या करेगा कट करेगा तो इसका मतलब आप एक काम करो अगर दोनों व्यक्ति की एक ही साइड से अगर आपको स्थिति पता चल जाए तो आप क्या कर सकते हो अगर दोनों व्यक्ति की एक ही साइड से अगर स्थिति पता चल जाए ठीक है तो आप उनके बीच में स्टूडेंट निकाल सकते हो अगर दोनों की लेफ्ट से पता चल जाए या दोनों की जैसे ये रोहित और करण है इन दोनों की राइट से अगर पता चल जाए तो आप उनके बीच क्या निकाल सकते हो उनके बीच बच्चे निकाल सकते हो कितने बच्चे बैठे हैं ठीक है कितने बच्चे बैठे हैं तो यहां से देखो टोटल स्टूडेंट देखो यहां से रोहित कितना है रोहित लेफ्ट से सत्रह नंबर और

करण की आपको लेफ्ट से और राइट right से दोनों स्थिति अगर पता हो तो टोटल बराबर क्या होगा टोटल बराबर हुआ आपका होगा लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन और लेफ्ट से नंबर क्या भैया टोटल बराबर होता है लेफ्ट प्लस राइट करण का लेफ्ट क्योंकि करण का चाहिए ना और करण का राइट right और माइनस वन होगा बात वही है लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन टोटल स्टूडेंट कितने थे टोटल स्टूडेंट ट्वेंटी नाइन थे करण का लेफ्ट से आपको बताना है बता दोगे राइट right से करण का नंबर कितना है सत्रह है सत्रह है लिखा और माइनस वन तो देखो यहां से क्या हुआ उन्तीस हुआ और बराबर करण का अब तो आपको लेफ्ट से नंबर पता करना है सत्रह में से एक गया कितना बच्चा सोलह देखो यह प्लस का सोलह इधर जाके क्या होगा माइनस का उन्तीस माइनस सोलह करोगे तो यहां पर करण का लेफ्ट से नंबर आएगा करण का लेफ्ट से नंबर क्या आया करण का लेफ्ट से नंबर देखो नौ में से छह गया आपका बच्चा तीन और यहां से देखो दो में से एक गया यहां पे आपका बच्चा तेरह तो करण का लेफ्ट से नंबर तेरह और रोहित का लेफ्ट से नंबर क्या है सत्रह तो यहां पे मुझे पता चल गया यहां पे देखो करण क्या है लेफ्ट से तेरहवा नंबर और रोहित क्या है रोहित लेफ्ट से कौन सा नंबर है सत्रवा नंबर है आपको जो है बीच में बताना है एक ही साइड से पता चल गया दोनों के अब इनके बीच में कितने बच्चे बैठे हैं याद रखना मिड वाला फॉर्मूला याद कर लो ठीक है बहुत सारे बच्चे क्या आंसर देंगे सत्रह में से तेरह का सर चार आंसर आएगा आंकड़े है या इनमें से कोई नहीं ये आंसर देंगे याद रखना जब भी मिड वाला आपको निकाल हो तो मिड बराबर होता है मिड पर्सन होता है मिड बराबर लिख लो डिफरेंस माइनस वन जितना उनके बीच डिफरेंस आता है उसमें से एक कम करके वर... एक कम कर दो तो उनके बीच बच्चों की संख्या आ जाती है उनके बीच व्यक्तियों की संख्या। ठीक है? तो देखो यहां से सर चार होगा और मिड पर्सन क्या होता है मिड बीच वाले बच्चे बताने मिड बराबर होता है दोनों का डिफरेंस माइनस वन डिफरेंस कितना आया चार और चार में से एक गया कितना बचा तीन तो यहां पे करेक्ट आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर ए मैंने कहा अगर आपको जो है इसमें टोटल 29 स्टूडेंट थे 29 में से एक का रोहित एक का लेफ्ट से पता था स्थिति और एक की राइट से पता था ठीक है अगर आपको जो है उनके बीच जो है स्टूडेंट पूछ रहा था कितने बैठे होंगे तो या तो दोनों को राइट में ले जाओ या दोनों को लेफ्ट में ले जाओ इस क्वेश्चन को आप राइट में ले जाके भी कर सकते थे कि जैसे रोहित का लेफ्ट का पता है ना रोहित को राइट में ले जाओ और करण भी राइट में तब भी निकाल सकते लेकिन एक साइड में जब लाओगे ना तभी बता सकते हो क्योंकि ऐसे आप बना नहीं सकते क्योंकि ये ओवर का केस है मतलब कि ये सत्रह सत्रह तो चौतीस हो जाएगा ठीक है उम्मीद है समझ में आ गया होगा सबके चले जी आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर सत्रह आपके सामने है, बनाने की कोशिश करें इसका आंसर क्या होगा देखो क्या कह रहा है जिस प्रकार पहले शब्द का संबंध दूसरे शब्द से है उसी प्रकार तीसरे शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किस विकल्प के साथ होगा बताओ जी इसका आंसर क्या होगा अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें साधारण भाषा में कहना क्या चाह रहा है यह कहना चाह रहा है जिस प्रकार इस पहले वर्ड का संबंध इससे है सेम वो लॉजिक लगा के जो लॉजिक आपने इसमें लगाया सेम इसमें लॉजिक लगा वो और बताओ इसमें क्या होगा इसका आंसर चलो

बाकी एक ऐसा है जिसका बाकी के तीन के साथ कोई रिलेशन नहीं है आपको वो ही बताना है चलो जी पहला वर्ड दिया है पारा दूसरा सोना है चांदी सिल्वर है कोपर धातु है बताओ जी इनमें सबसे डिफरेंट कौन सा होगा अगर थोड़ा सा ध्यान से आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी तो आप तुरंत बता दोगे अगर मैं बात करूं सोने की मतलब स्लिप वाली नहीं गोल्ड वाला है गोल्ड ठीक है यहाँ पे गोल्ड है। अगर मैं इन तीनों की बात करूं आपके गोल्ड सिल्वर और कॉपर की तो ये अपने आप में धातु है मतलब कि मेटल है क्या है ये अपने आप में धातु है मेटल है जबकि पारा जो है किस मात्र किस अवस्था में पाया जाता है पारा एक लिक्विड वाली अवस्था मतलब की द्रव अवस्था अगर हिंदी में बात करूं तो पारा आपका द्रव अवस्था में पाया जाता है जबकि ये तीनों की तीनों धातु है पारा कभी धातु भी नहीं है ठीक है तो इसका मतलब सबसे डिफरेंट क्या हुआ हुआ आपका आपका पारा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है चलें जी इसके बाद ये वाला सबसे सबसे बाद में कर लेंगे वाला वाला करो सबसे पहले वाला भी करा देता हूं चलो जी आपके सामने वैन डायग्राम है बनाओ जी इसका आंसर मुझे बताओ क्या होगा वैन डायग्राम बनाओ जी इसके बीच क्या होगा इसने कहा कंप्यूटर कुशल मतलब कि ऐसे लोग जो कंप्यूटर के बारे में जानकारी है कंप्यूटर में आप का जो है एक्सपर्ट है अगला वर्ड है कंप्यूटर निरक्षर ऐसे व्यक्ति जो कंप्यूटर के बारे में बिल्कुल नहीं जानते और दूसरा भैया कर्मचारी कहने का मतलब इंप्लॉय तो इसका मतलब इसने किसी कंपनी की बात करी यहां से हमारे सिंपल सा एक बात पता चलेगा कुछ ऐसे लोग जो कंप्यूटर जानते हैं जो एक्सपर्ट हैं कुछ लोग कंप्यूटर जो बिल्कुल नहीं जानते अनपढ़ है कंप्यूटर के बारे में और अगला वर्ड दे दिया कर्मचारी तो इसका मतलब कहीं कहीं ना कही इसकी किसी कंपनी की बात कर रहा आप मुझे ये बताओ कोई भी कंपनी हो उस कंपनी के अंतर्गत ऐसे वर्कर भी होंगे उस कंपनी में ऐसे वर्कर भी होंगे जो कंप्यूटर चलाना जानते होंगे और ऐसे वर्कर भी होंगे जो लेबर होती है जो कंप्यूटर चलाना नहीं जानती इसका मतलब दोनों के दोनों किसके अंतर्गत आएंगे दोनों के दोनों आपके अंतर्गत आएंगे आपके कर्मचारी के अंतर्गत मतलब कि ये दोनों के दोनों क्या है इंप्लॉय हैं और भैया कंप्यूटर कंप्यूटर जो जानता है जो कंप्यूटर जो है एक्सपर्ट है और यहां पे जो कंप्यूटर बिल्कुल नहीं जानता इनके बीच कोई नहीं रिल इनके बीच तो कोई रिलेशन नहीं होगा भैया जो कंप्यूटर नहीं जानता और जो कंप्यूटर जानता है उनके बीच कहीं से कहीं लोग कोई रिलेशन नहीं है तो सेम डायग्राम कौन सा नजर आया ऑप्शन नंबर ए नजर आया उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा चले जी एक क्वेश्चन देखते हैं कभी कभी क्या होता है ये आपका जो है

फिर आर का कोड है चार दो इसके बाद कहा यू का कोड उसी प्रकार सेवेंटी फाइव नाइन है तो आपसे पूछा है बोन्ड का कोड बी ओ एन डी आपसे पूछ रहा है बोन्ड का कोड क्या होगा बी ओ एन डी अब मेरी बात ध्यान से सुनो जैसे इसने कहा जैसे इसने कहा बीओ एंड का कोड आपसे पूछा है अभी मैं जूम कर दूं परेशान ना होना आप देखो आर का कोड इसने क्या दिया है आर का कोड दिया है, एक जीरो तो मतलब पहला नंबर हमेशा आप देखोगे किसमें पहला नंबर आपको देखना है किसमें कोलम में पहला नंबर आपको कोलम में देखना है और दूसरा नंबर हमेशा देखना है किसमें दूसरा नंबर आपको देखना है जैसे देखो आर आर पे देखो वन वन और आपको देखना है फिर जीरो हमेशा याद रखना हो। पहला नंबर आप कोलम मतलब की पंक्ति में देखोगे और दूसरा नंबर देखो स्तंभ में और देखना याद रखना कैसे देखते हो जैसे आर का कोड हमें देखना है देखो देखने का तरीका मैं बताता हूं देखो इसमें जिसको वो देखना आगे ना वो क्वेश्चन को आराम से बना लेगा क्वेश्चन को वो जो है आराम से बना लेगा आप बिल्कुल परेशान हो में और, और जो है जूम कर देता हूं चलो जी ये कर दिया मैंने जूम और आपको बोन्ड का पूछा है किसका बोन्ड का बोन्ड का पूछा है बी ओ एन डी देखो क्वेश्चन को हमेशा याद रखना क्वेश्चन में पहला वाला नंबर याद रखो जैसे आपका जो है ये देखो ये देखो दस इसका किसका नंबर दिया था ये आपका देखो यू का नंबर क्या दिया देखो निकालने का तरीके यू का नंबर है सेवन फाइव कहने का मतलब पहला नंबर देखो कोलम में और दूसरा नंबर देखो आप जो है पंक्ति आप जो है स्तंभ में में मतलब कि रो में। तो देखो क्या सेवन पे यू बन रहा है देखो, कैसे चेक करते हैं चेक करने का तरीका देखो सबसे पहले सात नंबर देखो सात नंबर कहा है पूरे उसमें आप कहो सर ये रहा सात नंबर तो सात नंबर वाली क्या पढ़ो आप पंक्ति पकड़ो कोलम और देखो सात के बाद क्या था अगला नंबर पांच था और पांच

भी आएगा इस क्वेश्चन को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है अगर क्वेश्चन को आपको जल्दी बनाना है तो क्वेश्चन को पीछे से बनाया करो पीछे से कहा बनाओगे लास्ट वाले का कोड चेक करो अगर मैं देखू आप देखो डी का कोड चेक करो सबसे पहले डी का कोड देखूं तो पहले ऑप्शन में देखो क्या डी का कोड फोर है क्या डी का कोड फोर वन है पहला नंबर आप किस में कोलम में चेक करो दूसरा रो में चेक करो और जो है आमने सामने लो तो देखो चार नंबर का है चार नंबर येरा तो चार नंबर की आपको ये वाली पंक्ति लेनी है और कहां तक जाना है जहां तक एक नंबर के एक नंबर के रो तक जाना है स्तंभ तक जाना है एक नंबर का रो ये रहा। तो देखो यहां से आप नीचे तक आओगे और चार के सामने आके रुक जाओगे देखो चार के सामने आके रुके और ये नंबर ऐसे मतलब कि ऐसे ऐसे आप क्या करोगे यहां यहां से 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 देखो गए गए भैया के सामने चार से ऐसे और एक एक वाला नीचे की तरफ ऊपर एक ऐसे एक जाएगा एक ऐसे जाएगा तो यहां पे देखो क्या नंबर बन रहा है बी बन रहा है क्या बन रहा है बी इसका मतलब फोर्टी वन का कोड क्या हुआ बी लेकिन हमें तो कोड यहां पे डी का चाहिए था ये तो बी का कोड है इसका मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया आपका चलो अगले में चेक करता हूं अगले में चेक करके देखता हूं यहां पे क्या आया एक सेकंड थोड़ा सा और बड़ा, और बड़ा देखो इधर तो गलत हुआ चलो जी ये वाला, तो वाला तेहरा है क्या है तेहरा है। चलो जी तेहरे पे चेक करते हैं तेहरे पे क्या आपका डी बन रहा है पहला वाला नंबर कोलम में और दूसरा नंबर आपको स्तंभ में मतलब में रोमे आपका रो में चेक करना है पहला कॉलम में तो देखो एक नंबर का है एक नंबर ये रहा और तीन वाला आपका स्तंभ देखो नीचे की तरफ जाना है एक के सामने तीन वाला ये रहा तो देखो एक तीन वाला एक के सामने तक जाओ इसके सामने ये रहा तो यहां पे भी देखो क्या बन रहा है यहां पे वर्ड बना आपका बी तो यहां पे भी ये तेहरा कोड किसका बी का लेकिन कोड तो आपको डी का चाहिए तो ये भी रोंग हो गया ठीक है चलो इसका दूसरे वाला चेक करते हैं दूसरे वाला सी वाला लास्ट वाला पकड़ो सबसे पहले लास्ट वाले से बनाया करो ठीक है उससे आपको जल्दी बनाया दो दो इसका मतलब पहला नंबर भैया कोलम में चेक करो दूसरा नंबर स्तंभ में आर में देखो दो नंबर का आया दो नंबर की पंक्ति और दो नंबर का स्तंभ दो नंबर की पंक्ति एरी और स्तंभ ये रहा तो इसे नीचे लाओ और इसके जस्ट सामने ला रुक जाओ तो इसके जस्ट सामने यहां पे लाके रुके तो ये वाला नंबर आपका कोड होगा तो यहाँ पे दो दो का कोड क्या बना दो 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 का कोड तो भैया ई आ रहा है लेकिन ये तो कोड डी का होना था ये भी गलत चलो जी अब अगला चेक करते हैं एक ही बचा होगा तो ऐसे जो है आपके ऑप्शन मैक्सिमम कट जाते हैं अगर आप लास्ट से चेक करके देखते हो चलो चेक कर लेते हैं क्या 20 पे डी आ रहा है क्या 20 नंबर पे डी बन रहा है देखो पहला नंबर क्या जैसे ये 20 है ना ये 20 है पहले वाला कहां बनोगे पहले वाला चेक करो कोलम में और दूसरे वाला जो है कैक करो किस में स्तंभ में मतलब रो में तो देखो दो वाले कहा वाला ये पंक्ति दो वाली और आपका जो है जीरो वाला स्तंभ है जीरो वाला स्तंभ मतलब कि इसे नीचे की तरफ लाओ किसका और कहा दो के सामने तक तो यहां आए और इसके सामने देखो क्या बन रहा है यहां पे देखो क्या बना आपका डी और डी का ही कोड चाहिए था डी का कोड इसका इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये का कोड है है करेक्ट आंसर हो गया आपका उम्मीद सबको समझ में आ गया होगा तो मैट्रिक्स ऐसे चेक करते हो आप चलो जी आगे चलते हैं याद रखना है अग्निवीर के लिए अग्निवीर आर्मी के लिए अग्निवीर आर्मी बैच लॉन्च किया जा चुका है और ये वाला बैच आपको ऑफर में मिल रहा है ऑफर में ये वाला बैच आपको क्या मात्र जो है ऑफर चल रहा है और इसके बाद आरम्भ बैच एम टी एस और सी एच एस एल के लिए शोर सिलेक्शन बैच लॉन्च किए जा चुके हैं करना क्या है आप एस मेकर ऐप डाउनलोड करें और वहां से ये वाला बैच परचेस कर ले साथ ही साथ आपका यूपी पुलिस के बंपर वैकेंसी आने वाली उसी को मद्देनजर रखते हुए आपका पुलिस का स्पेशल बैच चलाया जा चुका है और, में मिल रहा है। करना क्या है? करें और वहां से ये वाला बैच आप लोग क्या करेंगे? कर लें इसके बाद यहां पे जो है डेली अजय सर की जो लाइव क्लास होती है अजय सर लाइव पढ़ाते हैं आपको आठ बजे अजय सर बिल्कुल बेसिक से एक दिन मैथ एक दिन रीजनिंग पढ़ाते हैं और बेसिक के साथ साथ ऑप्टिक का ट्रिक का भी प्रयोग करते हैं तो करना क्या है आपको अगर अपनी नींव मजबूत करने बेसिक अगर स्ट्रॉग करना है बिल्कुल बेसिक चीजों से सीखना है तो डेली आपको क्या करना है डेली अजय सर की लाइव क्लास ज्वाइन करें और अजय सर कितने बजे आते हैं लाइव अजय सर डेली आते हैं आठ बजे चले यहाँ पे हमारे कुछ लिंक्स है ये वाला लिंक हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है ये वाला आपका फेसबुक और ये वाला लिंक हमारा ट्विटर का लिंक है आप इन लिंक पे क्लिक करके हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से जुड़ सकते हैं साथ ही साथ ये वाला जो हमारा लिंक है टेलीग्राम चैनल का लिंक है बहुत से बच्चों की समझ

आप इतनी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे जहां आपको रीजनिंग में पंद्रह मिनट लगती है ना वहां पे आपका घटता घटता सात आठ मिनट में आप रीजनिंग के जो है क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेंगे लेकिन कब होगा जब आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो डेली आना है डेली पढ़ना है चले जी आज के लिए इतना ही कल फिर सेम टाइम पे मिलते हैं जय हिंद जय भारत